नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद में स्वामी विवेकानंद की जयंती बनाई। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर भारत राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर आज पूरे देश मना रहा है। वहीं निरसा के मैथन बीएसके कॉलेज के छात्र छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके विचारों को दोहराते हुए उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक गुरु, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान संत व दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती व युवा दिवस के अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्रों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके घर का नाम वीरेश रखा गया पर उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्त यानी नरेंद्र के दादा संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के थे नरेंद्र दत्त। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। अखिल भारत विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते आ रही है और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर ही चलेगी। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो पर जाकर जिस तरह भारत माँ का परचम पूरे दुनिया में लहराए थे, उसी तरह विद्यार्थी परिषद भी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर भारत माता को विश्व पर में वो आदर और सम्मान दिलाना चाहती है जो पहले मिलता था। भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित करनी है। हम युवा हैं और अपने शक्ति को पहचान कर भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मैथन इकाई हमें हमेशा यही सीख देती है कि भारत माँ की सेवा की जानी चाहिए।